फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वैकेंसी के बारे में। इसकी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मैं पढ़कर बताऊंगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और साथ में जिन लोगों ने हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं, पंजाब स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी, आप देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट्स और रिफॉर्म की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पोस्टिंग है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ आपको देखने मिला, सीनियर सिस्टम मैनेजर SSM, सिस्टम मैनेजर SM, असिस्टेंट मैनेजर AM, टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि आपकी TA की वैकेंसी है। ग्रोस मंथली आपका आपको जो सैलरी रहेगी, आप देख सकते हैं 1,25,85,55,35 रहेगा। एप्लीकेशन वर इनवाइटेड द रिक्रूटमेंट ऑफ IT कैडर पोस्ट वाइड एडवर्टाइजमेंट डेट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो फ्रेंड आपको जो डेट है, जो ओल्ड डेट है, ठीक है, तो इसमें ऐसा घबराने की कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सीनियर सिस्टम मैनेजर की, और सिस्टम मैनेजर की है जनरल की। ठीक है, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने, आपको यहाँ पे 8 और 1 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरीके से टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की, आपके टेक्निकल असिस्टेंट की, इस तरीके से टोटल 322 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन आपको जो ऑन आपको रिकंसिडरेशन ऑफ द मैटर इट हैज बीन डिसाइडेड टू होल्ड टेस्ट अगेन ऑलरेडी एलिजिबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको देखते हैं द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देयर एप्लीकेशन इफ इन रेस्पॉन्स देयर प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट फॉर इट कैडर पोस्ट नो नीड टू अप्लाई अगेन। द प्रीवियस एप्लीकेशन इन द डेटाबेस शैल बी वैलिड फॉर द रिटन टेस्ट एंड फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस नो चेंज इन द अर्लियर। ठीक है, तो शैल बी अलाउड द इंटेंडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले उन्होंने कर रखे हैं वो वहाँ पे इनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है देखिए 15 दिसंबर 2020 आ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी डेट निकली थी जो 2/2 2020 की, ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो यहाँ पे आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे आपको एजुकेशन, आपको क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको उस देश का 18 से 37 रखी गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 के अनुसार। ठीक है, आप सीनियर सिस्टम मैनेजर की बात करें, इट शुड बी प्रोसेस अ BE BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 50% मार्क होने चाहिए इन एग्रीगेट ईच केस, शुड हैव एक्सपीरियंस इन 9 ईयर फील्ड इंफॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या शुड हैव आपको मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम आपके 50% मार्क होने चाहिए एग्रीगेट ईच केस एंड शुड हैव एक्सपीरियंस इन 11 ईयर। यहाँ पे सिस्टम मैनेजर की बात करें SM की, जो कि आपका देख सकते हैं BE BTech होना चाहिए, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए इन ईच केस, शुड हैव एक्सपीरियंस 4 ईयर इन फील्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या शुड हैव मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या 50% एग्रीगेट आपको रखा गया है, 6 ईयर का आपका अनुभव होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, आपको शुड हैव ए डिग्री इन BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% एग्रीगेट ईच केस, या फिर आपको शुड हैव मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपको विद आपको मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट ईच केस, शुड हैव एन एक्सपीरियंस 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, आपको टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, या BE BTech इंफॉर्मेशन टेक्निकली टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको 50% मार्क इन एग्रीगेट ईच केस,
सो डेप प्रोसेस आपका मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम रिकुना यूनिवर्सिटी 50% होनी है एक्सपीरियंस आपको 2 साल का रखा गया है यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। मस्ट हैव क्वालिफाइड पंजाबी लैंग्वेज आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिपार्टमेंट लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें रिटन टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का इन 2 आवर का तो आपको 100 नंबर होंगे। वेटेज आपका 80% रहेगा ठीक है। 20% फाइनल इंटरव्यू के 100 नंबर के होंगे ठीक है। टोटल आपके 200 होंगे 200% इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। हाउवर सिलेक्शन क्राइटेरिया टेक्निकल असिस्टेंट शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट रिटन टेस्ट ओनली ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट पे आपको जो रिटन टेस्ट है उसी के अनुसार लिख जाए। एग्जामिनेशन सेंटर चंडीगढ़ या एस एस सासानगर मोहाली ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें नॉन आपकी जो कि नॉन रिफंडेबल है 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के 500 रुपये फिजिकली डिसेबल के एससी एससी बीसी के लिए 250 रुपये रखी गई है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलेक्शन की बात करें यहाँ पे आपको 5 साल को मिल जाएगा एससी बीसी के लिए ठीक है। और रिजर्वेशन की यहाँ पे आपको डिटेल है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपको आ रहा है एवरी कैंडिडेट अंडर गो द सेम रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो बताए एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आपका 40% टेक्निकल 40% जनरल सिलेबस डिटेल अबव ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आप गलत करते हैं तो 0.25 आपको नंबर काट लिया जाएगा। तो 60% यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे क्लाउड एमएस ऑफिस सारी डिटेल आ रही है जो क्वेश्चन विल बी बीटेक बी लेवल के होंगे। 40% जनरल होंगे मेंटल टेस्ट और रीजनिंग इंग्लिश के होंगे वो यहाँ पे आपको दिख लें। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू यहाँ पे आपको किया जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज वाई वेटिंग लिस्ट इक्वल टू 25 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है ठीक है। जनरल टर्म यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिल जाए वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड। बाकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको किस तरीके से करना है वो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आवेदन करना हो। तो यहाँ पे आपको देखिए वन ऑनली एलिजिबल कैंडिडेट बी कॉल्ड पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विल बी वाई ईमेल नोटिस रिगार्डिंग ठीक है। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन टेक्निकल पोजिशन इफ एलिजिबल सिन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर द ऑल द पोस्ट इज सेम ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। वन एग्जामिनेशन इन सेपरेट एग्जामिनेशन वुड नॉट बी कंडक्ट विद अ सेपरेट पोस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड फॉर द ऑल द पोजीशन ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा ठीक है। बाकी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी वो बता आपको जानकारी दे दी है ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अब किस तरीके से आवेदन करेंगे उस पर हम देख लेते हैं। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे आपको करना है ठीक है। यहाँ पे आपको उस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जानकारी आ रही किस तरीके से करना है। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपका एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आ रही है ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डेट आ रही यहाँ पे देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आपको एज देखने को मिल जाएगी ठीक है। यहाँ पे आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक एक जो आ रही है क्लिक एयर टू प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कन्फर्म आपको पासवर्ड इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करना होगा कैप्चा को फिल करना होगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ठीक है। इस तरीके सारी जानकारी करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर फ्रेंड इसके बाद आपका जो यूज़र नेम है आपके मोबाइल पर आ जाएगा और पासवर्ड भी जो आपने रखा है वो भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन कर लूँगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ आपको डिटेल आ रही है फिल एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट एंड बैंक साइट डाउनलोड एक्नोलेजमेंट कॉपी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डिटेल है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन पे गया तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैं फिलअप करना होगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप सारी जिस पोस्ट के लिए आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो डिटेल आ रही है फादर नेम है ठीक है इस तरीके से देना है मदर नेम आ रहा है आपको यहाँ पे जेंडर बताना है इस तरीके से ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है। यहाँ पे आपकी जो इमेज है आपको छुपका दीजिएगा 10 से 100 KB की है और सिग्नेचर 10 से 50 KB इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ आ रहा है आपको शादीशुदा है यहाँ पे आपका लेकर आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको जनरल OBC जो भी आपका है आधार कार्ड ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एड्रेस आ रहा है एड्रेस में आपको एड्रेस देना है सिटी देनी है पिन कोड देना है स्टेट बताना जिस स्टेट से है और डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देनी होगी ठीक है। ये देने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर कॉपी कर सकते हैं आपका सेम एड्रेस है
ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको पंजाबी जो लैंग्वेज थी अगर हाई स्कूल में आपकी थी तभी आप कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज को आपको ध्यान रखना है, इफ सेलेक्ट द यू या डिसेबिलिटी यस या नो कर सकते हैं, इफ यू ठीक है फिजिकली डिसेबल्ड है, यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी का टाइप पूछा जाएगा, परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, यू वॉन्ट टू आप उसक्राइब चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इस तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, ये सब इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं, आप वेदर यूज आप यहाँ पे पूछा है, एक्स सर्विसमैन है यानी फ्रीडम फाइटर है यानी स्पोर्ट पर्सन है यानी यस या नो, यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे बताना है, परसेंटेज बताना है, यूनिवर्सिटी का आप नाम बताना है, यहाँ पे आपको किस ईयर में किया था कंप्लीट करना, इस तरीके से सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आपको सेव कर देना है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपने एमबीए कर रखा है तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सैंपल के लिए आपको दिखा रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, उसके बाद जैसे मैंने सारी डिटेल कर ली तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जानकारी आ रही है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस डिटेल देनी होगी, यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन क्या थी, कब से लेके कब तक काम किया आपने, कितने यहाँ पे आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है इन दिस एक्सपीरियंस आईटी यस या नो कर दीजिएगा, इस तरीके से आपकी डिटेल को यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपको फिल करने का, यहाँ पे रिफिल या एक्सपीरियंस डिटेल है और भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रखा है, फिर इसके आपको मेक पेमेंट फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं डेली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, सारी जानकारी देता रहता हूँ वीडियोस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।